अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभियों, मेरा नाम है मलिक गिलानी और आज हम जा रहे हैं फूड ब्लॉग बनाने और मेरे साथ आज फीचर कर रही हैं मेरी बेटर हाफ अनम गिलानी। हेलो। सो हम जा रहे हैं द सॉस बर्गर कैफ़े। पहले भी मैं एक दो बार इस कैफ़े में जा चुका हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद के आउटलेट में। इस बार हम जा रहे हैं इस सिंधी मुस्लिम ब्रांच में, तो लेट्स सी वहाँ का खाना कैसा है। हम खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा। बाय द वे, अनम जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है बाय प्रोफेशन, सो यहाँ मैं उनका वीडियो का एक लिंक डाल दूँगा और अपने इस वीडियो के एंड में भी उनके चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं DIY एक्टिविटीज़ वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी एजुकेशनिस्ट है बच्चों के लिए, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डू चेक आउट हर चैनल और हम मिलते हैं आपसे द सॉस पे। ओके, कराची में जो है गाड़ी चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक वीडियो गेम खेलना है। आपको गाड़ी चलानी है, अपनी गाड़ी भी बचानी है और जो दूसरा बंदा आ रहा है सामने से उसकी गाड़ी भी बचानी है। तो ये एक बड़ा एक टफ सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे कराची में गाड़ी चलाना, बट क्योंकि हम यहाँ सालों से गाड़ी चला रहे हैं तो अब हम इसमें प्रो हो चुके हैं। देख सकते हैं द सॉस बर्गर कैफे, ये हमारी डेस्टिनेशन है, हमें यहाँ पे जाना है। ओके जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं द सॉस बर्गर कैफे। अब हम इनका मेन्यू देखेंगे और सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें डील्स वगैरह कुछ अगर अच्छी अवेलेबल है। आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। फिक्र मत करिए, कोरोना के होते हुए हमने SOBs का बिल्कुल ध्यान रखा। ये रहा मेरा मास्क, सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए और खाना खाने के लिए मैंने मास्क उतारा है, तो मास्क ज़रूर पहने। हमने एक डील ऑर्डर की है, उसमें एक फिकर बर्गर, एक जैकपॉट बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और दो ड्रिंक्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। इसके अलावा इनकी एक नया आइटम इनका है पटाखा चिकन के नाम से, वो हमने ऑर्डर करा है क्योंकि मेरी जो वाइफ है ना, ये इनको स्पाइसी खाना बड़ा पसंद है, तो ये पटाखा चिकन है इनके लिए खास। सो देखते हैं, टेस्ट करके फिर आपको हम इसका रिव्यू देते हैं किस तरह इनका खाना है यहाँ पर। तो हम अब वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, ऑलमोस्ट 15 मिनट लगते हैं ऑर्डर के आने में। सो विल कीप यू अपडेटेड कि किस तरह की सर्विस है यहाँ पे और कितना फ्रेश यहाँ का फूड। जी, तो हमारा खाना आ चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट लुक्स क्वाइट डिलीशियस। तो अब हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना द सॉस बर्गर कैफे। बर्गर जो है वो मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ, ये लास्ट एक दो बाइट बचे हैं और इट्स प्रीटी गुड। चिकन जो है वो काफ़ी फ्रेश क्रिस्पी,
आइसबर्ग लेटिस का यूज़ किया गया, इसके अलावा चेडर चीज़ की स्लाइस इसमें थी जो कि ओवरऑल इसको काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा था। साथ ही साथ इसके अंदर इनकी कोई सीक्रेट सॉस है वो भी थी, और इसके साथ साथ इसके अंदर चिकन सॉसेजेस भी यूज़ किए गए थे, सॉसेज की स्लाइस। तो जो सारी चीज़ों का अमेलगमेशन था वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। आई एम लविंग इट। स्पाइसी है बिल्कुल मेरे टाइप का, ज़बरदस्त 10 out of 10। तो जी बर्गर का तो हो चुका है सफा चट और काफ़ी अच्छा लगा। 9 out of 10 मैं इसे देना चाहूँगा। अब ये है इनके चिकन चंक्स फ्राइज, इसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्राइज भी काफ़ी अच्छा है। फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं उसके साथ इन्होंने इसके ऊपर लिक्विड चीज़ डाला है, उसके अलावा चिकन चंक्स हैं और बारबेक्यू सॉस है इसके साथ, जिससे काफ़ी एक बारबेक्यू वाला फ्लेवर देता है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। पटाखा चिकन के बारे में तो आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि मैं स्पाइसी खाता नहीं, इसलिए मैंने उसको फ़िलहाल टेस्ट नहीं करा। सो द सॉस बर्गर कैफ़े, खाना जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, फूड वॉज प्रिटी गुड। तो आप ज़रूर आए यहाँ पे। तो जी खाना तो हमने खा लिया और अब जाने की तैयारी है। पहले पार्किंग थी तो गाड़ी हमारी आ रही है, अभी बस हम यहाँ से निकलते हैं। तो इन शॉर्ट फूड वॉज प्रिटी गुड, क्या कहती है ना? खाना बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। कोविड की वजह से सीटिंग आउटसाइड है, लेकिन क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा है, सर्दियां हैं यहाँ पे अभी, तो इट्स नॉट मच ऑफ अ बिग डील। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी गुड, तो हम बिल्कुल ही आपको रिकमेंड करेंगे यहाँ आने के लिए। द सॉस बर्गर कैफ़े जो कि है बर्गर लैब के बिल्कुल बराबर में। सो अगर आपको ये वाला हमारा फूड ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। टिल देन।